मदद करनी है, तो उन्होंने मेरी उचित ही मदद की। उन्होंने बोला कि आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, और मैंने बोला कि मैं नहीं रुक सकती, बिकॉज अगर मैं रुकी तो वही तो ये चाहते हैं, फिर उसके बाद फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं चलती गई और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ पंचकूला की तरफ और आपको रास्ते में हेल्प मिल जाए। तो वर्णिका आपने यहीं पे देखा था, इसी यही रोड की जो आपने देखा था कि आपके पीछे एक गाड़ी, इसी रोड पे थोड़ी सी आगे जाके मुझे दिखा कि पीछे से तेज गाड़ी आ रही, तो मैंने थोड़ी साइड में कर ली कि वो चली जाए, लेकिन जाने के बजाय उन्होंने मेरे साथ आती गाड़ी देखी। कितनी बार हुआ ये? ये पहली बार हुआ, उसके बाद मैं राइट मुड़ी तो मेरे साथ साइड मुड़ी, फिर उस टाइम उन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे हिलाई ताकि या तो मेरी गाड़ी को टक्कर लग जाए या फिर मैं डर जाऊँ या मेरी गाड़ी ब्लॉक हो जाए। तो मैंने थोड़ी अपनी गाड़ी हिला ली और ये देख देख के फिर मैं रुक जाती थी, फिर मैं फिर वो रुकते थे तो मैं चल जाती थी। फिर ऐसे रुकते चलते हुए उनसे बचते हुए ही सारा रास्ता मैंने। कितनी बार उन्होंने आपकी गाड़ी रोकने की कोशिश की? कोशिश तो उनकी यहाँ से लेकर और हाउसिंग बोर्ड चौक तक उनकी हमेशा कोशिश यही थी, हमेशा वो मेरे को, वो मेरे राइट साइड पे रहे सारा रास्ते। और मैं कई बार उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे, और कभी वो उनकी गाड़ी में से एक दो फुट से ज़्यादा दूर नहीं हुआ, हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे। मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मुड़ने नहीं दिया। एक बार तो उन्होंने मेरी रोड ब्लॉक कर दी और लड़का को लेकर के आया। कितनी बार लड़का